समय की बात है, बनारस के राजा रानी के यहाँ एक तेजस्वी पुत्र ने जन्म लिया। उसके नामकरण के दिन महल में 800 ज्योतिषी आमंत्रित किए गए और उपहार स्वरूप जो उन्होंने मांगा उन्हें दिया गया। सभी आदरणीय लोगों का स्वागत है, मुझे नवजात राजकुमार का भविष्य बताइए और उसके लिए एक उचित नाम का चुनाव कीजिए। उनमें से एक ज्योतिषी शरीर पर बने चिन्हों को पढ़ने में निपुण था। उसने कहा, महाराज ये बालक बहुत ही तेजस्वी है और आपके पश्चात राजा बनेगा। ज्योतिषी बहुत चतुर थे, उन्होंने राजा रानी को वही बताया जो वो सुनना चाहते थे। आपका पुत्र 5 अस्त्रों में निपुण होगा, उसे 5 अस्त्रों के महान ज्ञाता के रूप में जाना जाएगा। ये सुनकर राजा रानी ने अपने पुत्र का नाम राजकुमार 5 अस्त्र रखा। आज से इसे राजकुमार 5 अस्त्र कहा जाएगा। कई साल व्यतीत हो गए और राजकुमार एक सुंदर और शक्तिशाली युवक बन गया। जब वो 16 वर्ष का हुआ तो राजा ने उसे गुरुकुल भेजने का निर्णय लिया। पुत्र, अब तुम्हारे गुरुकुल जाने का समय आ गया है। तुम्हें तक्षशिला नगर जाना होगा, वहां तुम्हें विश्व प्रसिद्ध गुरु मिलेंगे। जितना सीख सको सीख लेना और ये धन दक्षिणा के रूप में देना। राजा ने उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं देकर विदा कर दिया। राजकुमार ने बहुत लंबी यात्रा तय की और अंत में वो तक्षशिला पहुंच गया। वहां पर वो तक्षशिला के विश्व प्रसिद्ध गुरु से मिला। गुरुदेव, कृपया मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर लीजिए और मुझे जो चाहिए वो कृपया मुझे सिखाइए। ठीक है पुत्र, तुम्हें ध्यान लगाकर मेरे आदेशों का पालन करना होगा। और राजकुमार ने शिक्षा ग्रहण करना आरंभ कर दिया। उसने बहुत परिश्रम से पढ़ाई की और गुरु का सर्वश्रेष्ठ शिष्य बन गया। जब गुरु ने उसे वो सब कुछ सिखा दिया जो उसके लिए आवश्यक था, तो उन्होंने राजकुमार को विशेष उपाधि प्रदान की। तुमने अपनी शिक्षा पूरी करके उसमें निपुणता प्राप्त की है, मैं तुम्हें विशेष उपहार स्वरूप 5 अस्त्र दे रहा हूँ। अब तुम वापस अपने राज्य जा सकते हो। राजकुमार वापस बनारस की ओर चल पड़ा। रास्ते में घर जाते समय वो एक वन से होकर जाने लगा जिस पर एक राक्षस का राज था। राजकुमार 5 अस्त्र, इस वन से होकर मत जाइए। वहाँ पर चिपकासुर नाम का भयंकर राक्षस रहता है, वो जिसे देख लेता है उसका वध कर देता है। परंतु राजकुमार में आत्मविश्वास था और वो एक शेर की भांति साहसी था। तुम लोग बिल्कुल चिंता मत करो मित्रों, मैं जाकर उस राक्षस से निपट लूंगा। राजकुमार उस भयंकर राक्षस से सामना होने तक वन में चलता रहा। अरे बाप रे, ये तो सच में बहुत ही विशाल और बहुत ही भयंकर है। वो एक वृक्ष के समान लंबा था, उसका सर किसी छत के समान बड़ा था और आंखें थाली के जैसी बड़ी बड़ी थी। उसके विशाल मुंह से दो पीले दांत बाहर निकले हुए थे जो बदसूरत होकर भूरे हो गए थे। उसका बहुत विशाल पेट था जिस पर सफेद धब्बे थे और हाथ और पैर नीले थे। राक्षस राजकुमार पर बहुत तेज दहाड़ा। तुम मेरे वन में कहां जा रहे हो तुच्छ प्राणी? तुम मुझे स्वादिष्ट फल की भांति लग रहे हो, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। क्योंकि राजकुमार ने हाल ही में शिक्षा पूरी की थी और अपने गुरु से सर्वोत्तम पुरस्कार जीता था, इसलिए उसे लगा कि वो सब कुछ जानता है और वो कुछ भी कर सकता है। उसने कहा, मेरी बात सुन भयंकर राक्षस, मैं राजकुमार 5 अस्त्र हूँ और मैं तुम्हें ढूंढने आया हूँ। मैं तुम्हें मुझ पर आक्रमण करने का न्योता देता हूँ और मैं तुम्हें पहले ही अस्त्र से मार गिराऊंगा। मेरे शक्तिशाली धनुष और मेरे विषबुझे तीर से। राजकुमार ने अपने धनुष पर जहरीला तीर चढ़ाकर सीधे राक्षस पर चला दिया, परंतु तीर उसे बिना हानि पहुंचाए उसके बालों में गोंद की भांति चिपक गया। ओह, भले ही तुम्हें उससे हानि नहीं हुई होगी, परंतु अब मैं एक एक करके तुम पर 50 तीर छोड़ूंगा, वो भी लगातार। फिर एक के बाद एक
राजकुमार ने पूरे 50 जहरीले तीर उस पर छोड़े, परंतु वो सारे ही राक्षस के बालों में चिपक गए, जिसे चिपकासुर कहा जाता था। फिर राक्षस ने अपने शरीर को अपने छत की भांति सर से लेकर नीचे अपने नीले पैरों तक हिलाया और सारे तीर बिना हानि पहुंचाए भूमि पर गिर पड़े। अब मैं अपना तीसरा अस्त्र उपयोग करने वाला हूं। राजकुमार पांचास्त्र ने अपना तीसरा अस्त्र 33 इंच लंबी तलवार निकाली। उसने उसे अपने शत्रु पर घोंप दी, परंतु तलवार राक्षस के चिपचिपे बालों की परत में चिपक गई। चिपकासुर, अब तुम मेरे इस चौथे अस्त्र से नहीं बचोगे। उसने अपना चौथा अस्त्र भाला राक्षस पर फेंका, परंतु वो भी उसके बालों में चिपक गया। अब ये मेरा अंतिम अस्त्र होगा, हे ईश्वर मेरी सहायता कीजिएगा। उसने अपने 5 अस्त्रों में से अंतिम अस्त्र गदा से राक्षस पर आक्रमण किया, वो भी चिपकासुर पर चिपक गया। हे राक्षस, क्या तुमने कभी राजकुमार पांचास्त्र के बारे में सुना नहीं? मैं अपने 5 अस्त्रों तक सीमित नहीं हूँ, मैं जवान हूँ, मुझ में बल है, मुझ में ताकत है, सूझबूझ है, और मैं शक्तिशाली भी हूँ। मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा राक्षस। वो चिपकासुर को अपने दाएं हाथ से मारता है, किंतु उसका हाथ राक्षस के चिपचिपे बालों में चिपक जाता है। फिर वो अपने बाएं हाथ से उसे मारता है, परंतु वो भी उसके चिपचिपे बालों में चिपक जाता है। वो उसे अपने दाएं पैर से मारता है, फिर बाएं पैर से, परंतु दोनों पैर भी बालों में उसके हाथों की भांति चिपक जाते हैं। अंत में वो एक पहलवान की भांति अपना सर उसके पेट में तेजी से मारने लगता है, परंतु परिणाम वही निकलता है, उसका सर भी राक्षस के बालों में चिपक जाता है। यद्यपि वो 5 जगह से राक्षस पर चिपका होता है और वो उसके बालों से लटका होता है, परंतु राजकुमार को भय नहीं लगता। चिपकासुर सोचता है, ये तो सच में बहुत विचित्र बात है, ये एक मनुष्य की अपेक्षा शेर अधिक लगता है। यद्यपि ये मुझ जैसे भयंकर राक्षस के चंगुल में है, इसे नाम मात्र का भय नहीं लगा। मुझे इतना समय हो गया है इस वन में लोगों को मारते हुए, परंतु मुझे आज तक इस राजकुमार की भांति साहसी पुरुष कभी भी देखने को नहीं मिला है। इसे मुझसे भय क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि राजकुमार पांचास्त्र किसी आम इंसान की भांति नहीं था, इसलिए चिपकासुर उसे खाने से डर रहा था और उसने पूछा, नवयुवक, क्या तुम्हें मृत्यु का भय नहीं है? मैंने बहुत सारे लोगों को मारा है, परंतु मैंने तुम जैसा साहसी मनुष्य आज तक नहीं देखा। मुझे बताओ, तुम इतने निडर कैसे हो? भला मुझे मृत्यु का भय क्यों होना चाहिए? इसमें कोई संदेह नहीं है कि जिसने इस दुनिया में जन्म लिया है वो मृत्यु को प्राप्त होगा। फिर उस तेजस्वी राजकुमार ने सोचा, मेरे गुरुदेव ने जो मुझे 5 अस्त्र दिए थे वो तो इस राक्षस के सामने बिल्कुल नाकाम हो गए। मेरी शक्ति और साहस ने भी मेरा बिल्कुल साथ नहीं दिया। मुझे अपने गुरु से और अपने शरीर से ऊपर जाना चाहिए, अपने मस्तिष्क के भीतर के अस्त्र तक जाना चाहिए। मुझे केवल उसी अस्त्र की आवश्यकता है। हाँ। राजकुमार ने चिपकासुर से बात करना जारी रखा। हे विशाल राक्षस, एक छोटी सी बात है जिसके बारे में मैंने तुमको अभी तक बताया नहीं है। एक ऐसा राज जो सिर्फ मैं जानता हूँ और कोई नहीं जानता। मेरे शरीर के अंदर हीरो का अस्त्र है, ऐसा हीरो का अस्त्र जिसे तुम पचा भी नहीं सकते। यदि तुमने मुझे खाने की बेवकूफी की तो मैं तो मरूंगा ही, पर साथ में तुम भी मरोगे। इसीलिए तो मुझे तुमसे बिल्कुल डर नहीं लगता चिपकासुर। इस तरह राजकुमार ने अपनी महान आत्मिक शक्ति ऐसे उपयोग की कि चिपकासुर उसे आसानी से समझ सके। राजकुमार जानता था कि ये महान अस्त्र जो उसके मस्तिष्क के भीतर था वो था उसके स्वयं के विवेक का चमचमाता अनमोल हीरा। चिपकासुर ने सोचा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये साहसी मनुष्य सच कह रहा है। यदि मैं इस मटर के दाने के बराबर साहसी मनुष्य को खा भी जाता हूँ तब भी मैं इसे पचा नहीं पाऊंगा। इसलिए
मैं इसे छोड़ दूंगा। अपने स्वयं की मृत्यु के भय से उसने राजकुमार पांच अस्त्र को छोड़ दिया। तुम एक महापुरुष हो, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, मैं तुम्हें बिना छुए जाने दूंगा। और जैसे ग्रहण के बाद चंद्रमा दोबारा निकलता है, तुम भी अपने सगे संबंधियों के लिए वैसे ही चमकते रहो। जाओ। इससे राजकुमार ने सीखा कि विवेक ही वो उपयोगी अस्त्र है जो हम सबके अंदर है, न कि बाहर। राजकुमार ने उस अभागे राक्षस को एक सीख दे दी। हे चिपकासुर, तुम्हारा जन्म एक हत्यारे, रक्त पीपासु और नरभक्षी राक्षस के रूप में इसलिए हुआ क्योंकि तुमने अपने पिछले जन्म में बुरे कर्म किए थे, और इसलिए तुम्हें इस जन्म में केवल कष्ट भोगना पड़ेगा और सारी पीड़ाएं उठानी होंगी। इससे तुम्हें इस जन्म और सारे जन्मों में केवल कष्ट ही मिलेगा। अब क्योंकि तुमने मुझे छोड़ दिया है, इसीलिए आज से तुम किसी को भी आसानी से जान से नहीं मार पाओगे। राजकुमार पांचस्त्र चिपकासुर को शिक्षा देते रहे। ध्यान से सुनो, किसी की जान लेना इस लोक में कष्ट का कारण बनता है, और पुनर्जन्म नरक लोक में या पशु या भूखे दैत्य के रूप में होता है, जानते हो चिपकासुर? यदि सौभाग्यवश तुम्हारा पुनर्जन्म एक मनुष्य के रूप में होता है, तब भी तुम्हारा जीवन काल छोटा होगा। अंततः राक्षस पांच आरंभिक चरण अपनाने के लिए तैयार हो गया। इस तरह उसने स्वयं को राक्षस से एक जंगल में रहने वाले दोस्त में बदल दिया। अच्छा तो ठीक है चिपकासुर, अब मैं चलता हूँ। राजकुमार ने राक्षस के हृदय परिवर्तन के बारे में सबको बताया। यदि आप लोग उसे सदैव भोजन देते रहेंगे तो वो आपको कभी हानि नहीं पहुंचाएगा। उसके बाद लोग उसे सदैव भोजन देकर शांति से रहने लगे। राजकुमार पांचस्त्र बनारस लौट आया और बनारस का राजा बन गया। इससे ये शिक्षा मिलती है कि जिस एक अस्त्र की आपको आवश्यकता है वो आपके भीतर ही छिपा है। कटक में सेतु नाम का नवयुवक काम की खोज में भटक रहा था। एक दिन जब वो भटक रहा था तो उसी मार्ग से उस राज्य के कोषाध्यक्ष और उनके मित्र निकले। राजा तुमसे बहुत प्रसन्न है, राजकोष धन से संपन्न है, तुम्हारी सफलता का रहस्य क्या है? व्यापार की अच्छी समझ। मैं तुम्हारी इस बात का मतलब नहीं समझा। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? हाँ, क्या तुम इस मृत चूहे को देख रहे हो? हाँ। यदि मैं अपनी बुद्धि का प्रयोग करूं तो मैं बिना किसी धन के भी इस मृत चूहे के साथ व्यापार आरंभ कर सकता हूं। मृत चूहे के साथ? तुम भी ना। उनसे कुछ दूर बैठा सेतु उनकी पूरी बातें सुन रहा था। वो स्तब्ध होकर मृत चूहे की ओर देखने लगा। मेरे ख्याल से कोषाध्यक्ष ने ये बात किसी आधार पर कही होगी, मैं उसकी सलाह पर अमल करता हूँ। सेतु उस मृत चूहे को उठाकर चल पड़ा। दूसरी ओर से एक व्यापारी अपनी बिल्ली के साथ आ रहा था। अचानक बिल्ली उसके हाथ से छूट गई। मेरी प्यारी बिल्ली, कहाँ भाग रही हो? व्यापारी ने मृत चूहे को देखा और वो समझ गया कि उसकी बिल्ली उस दिशा में क्यों भागी थी। वो सेतु के पास आया। क्या तुम मुझे अपना ये चूहा बेचोगे? मैं तुम्हें इसके पैसे दूंगा। इसे खरीदोगे? व्यापारी ने उसे पैसे दिए और सेतु ने पैसे स्वीकार कर चूहा उसे दे दिया। सेतु आगे चल दिया और वो सोचने लगा कि वो इन पैसों का क्या करे। एक निर्णय पर पहुंचकर वो एक दुकान पर रुका और उसने इन पैसों से एक कटहल खरीद लिया। मुझे पानी से भरा खड़ा और इस कटहल को लेकर गांव के बाहर प्रतीक्षा करनी चाहिए,
वहाँ से लोग जंगल से फूल और फल के साथ लौटते हैं। और सेतु एक पेड़ के नीचे बैठ गया। दोपहर में उसने कई लोगों को अपना कार्य समाप्त करने के बाद जंगल से लौटते हुए देखा। अब सेतु को आशा बंधी। वहां से एक बूढ़ा व्यक्ति निकला। चाचा, आप बहुत ही थक गए होंगे ना? अपनी प्यास बुझाने के लिए मेरे घड़े से थोड़ा पानी पी लीजिए और कटहल खा लीजिए। जुग जुग जियो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। थोड़े फूल ले लो, क्या तुम कल भी पानी लेकर आओगे? हाँ बिल्कुल। बूढ़े व्यक्ति ने उसे कुछ फूल दिए और अपने रास्ते चला गया। सेतु ने कई राहगीरों की सेवा की और बदले में वो उसे कुछ फूल दे गए। संध्या काल में सेतु ने फूलों को मंदिर ले जाकर उन्हें बेचना आरंभ कर दिया। वाह, मैंने अब तक 8 पैसे कमा लिए। जिंदगी में पहली बार मैंने इतना पैसा कमाया है। सेतु ने अब बड़ा घड़ा और अधिक कटहल खरीद लिए। वो अब पहले की तरह जंगल की ओर जाते मार्ग के किनारे चलने लगा। रास्ते में उसने खेत में घास काटते किसानों को देखा। इनसे पूछकर देखता हूँ, यदि आप में से कोई भी ऐसा है जो प्यासा है तो वो पानी पी सकता है। सुनो मित्र, हम सभी प्यासे हैं। उन्होंने सेतु से पानी ले लिया। यदि तुम्हें किसी सहायता की आवश्यकता हो तो हमें बताना। धन्यवाद दोस्तों। इस तरह 1 महीना बीत गया। एक दिन जब सेतु घर लौट रहा था तो तेज हवा चलने लगी। हवा के कारण हर जगह वृक्षों की टहनियां और पत्ते बिखर गए। जब सेतु ने ये देखा, जब हम एक मृत चूहे से धन कमा सकते हैं तो वृक्षों की टहनियों से भला क्यों नहीं कमा सकते? अगले दिन वो दरबान से मिलने पहुंचा। तुम कुछ चिंतित लग रहे हो, क्या बात है, क्या हुआ? तुम देख सकते हो कि वृक्षों की टहनियां पूरे बगीचे में बिखरी हुई है। राजा किसी भी पल यहाँ आ सकते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि उनके आने के पहले सफाई कैसे कर पाऊंगा। तुम चिंता मत करो, इस बगीचे को साफ करने में मैं तुम्हारी सहायता करूँगा, किंतु बदले में तुम्हें ये सारी लकड़ियाँ मुझे देनी होंगी। ठीक है मेरे मित्र, ले जाना। सेतु ने सारी लकड़ियाँ गाड़ी में लाद दी और उसने सारी लकड़ियाँ कुम्हार को बेच दी। बदले में कुम्हार ने उसे तांबे के 100 सिक्के दिए। सेतु पैसे लेकर लौट रहा था तो रास्ते में उसने सुना कि कल घोड़ों का व्यापारी अपने 500 घोड़े बेचने वाला है। यदि मैं सभी घोड़ों के लिए भरपूर घास की व्यवस्था कर लूं, तो मुझे लगता है मैं बहुत सारा धन कमा लूंगा। इसलिए सेतु किसानों के पास गया। मित्र, कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे बस घास के कुछ गट्ठर चाहिए। बिल्कुल, तुम जितनी घास चाहो ले सकते हो। प्रत्येक किसान ने उसे थोड़ी थोड़ी घास दे दी। सेतु ने घास के लगभग 500 गट्ठर लिए और गाड़ी में लाद कर हाट की ओर चल पड़ा। वहाँ घोड़ों का व्यापारी चारा ढूंढ रहा था। जब उसने सेतु को घास के साथ देखा तो वो बहुत प्रसन्न हुआ। सेतु ने घास को 1000 तांबे के सिक्कों में बेच दिया। मैं आज बहुत ही खुश हूँ क्योंकि मैंने आज तांबे के 1000 सिक्के कमा लिए हैं और अब मेरे पास बड़ा व्यापार आरंभ करने के लिए भरपूर धन हो गया है। कुछ दिन बाद सेतु ने सुना कि अगले दिन एक व्यापारिक पोत आने वाला है। क्या व्यापारिक पोत? शायद मुझे नए कपड़े और एक सवारी लेकर व्यापारी से मिलने जाना चाहिए। सेतु ने बहुत अच्छे कपड़े पहने और एक रथ किराए पर लिया। वो रथ पर सवार होकर नदी के किनारे पहुंचा। शीघ्र ही पोत आ गया। आपका स्वागत है व्यापारी, स्वागत है। मैं आपका सारा सामान खरीदना चाहता हूँ। व्यापारी सेतु के स्वागत से बहुत प्रसन्न हुआ और वो सेतु को अपना सारा सामान बेचने के लिए तैयार हो गया। मुझे इतने पैसों की व्यवस्था करने के लिए हो सकता है थोड़ा समय लग जाए, इसलिए मेरी आपसे एक
विनती है कि आपको शायद कुछ दिनों के लिए प्रतीक्षा करनी पड़े। तब तक आप ये अग्रिम राशि स्वीकार कर लीजिए। व्यापारी ने उसे समय दे दिया। सेतु ने वहां से कुछ दूरी पर आश्रय बना लिया। कुछ समय बाद नगर के कई व्यापारी वहां पहुंचे। उन्होंने पोत के व्यापारी से उसका सामान खरीदने की बात कही, किंतु उन्हें पता चला कि सेतु पहले ही सारा सामान खरीद चुका है। व्यापारी सेतु के पास पहुंचे। हम तुम्हारा सारा सामान खरीदना चाहते हैं और बदले में हम तुम्हें 1,00,000 सोने के सिक्के देंगे। सेतु ने तुरंत उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और 1,00,000 सोने के सिक्के ले लिए। उसने बकाया राशि पोत के व्यापारी को दे दी और सामान व्यापारियों को सौंप दिया। अब मैं बहुत धनी व्यक्ति बन गया हूँ। सेतु सोने के सिक्के लेकर घर लौटते हुए सारे रास्ते कोषाध्यक्ष और उसकी सलाह के बारे में सोच रहा था। मुझे कोषाध्यक्ष का धन्यवाद करने जाना चाहिए। कुछ दिन पश्चात वो कोषाध्यक्ष के घर पहुंचा। महोदय, आपकी अच्छी सलाह के आधार पर मैंने 4 महीनों में बहुत धन कमाया है, इसलिए मैं यहाँ आपके पास आपका धन्यवाद करने के लिए और ये उपहार देने के लिए यहाँ पर आया हूँ। सेतु ने उन्हें सोने का चूहा सौंप दिया। क्षमा करना, मैंने तुम्हारा चेहरा पहले कभी देखा भी नहीं। यदि मुझे तुम्हारा चेहरा याद नहीं तो मैं तुम्हें सलाह कैसे दे सकता हूँ? मुझे लगता है कि तुम मुझे कोई और समझने की भूल कर रहे हो। नहीं महोदय, वो आप ही की सलाह थी जिसने मेरी धन कमाने में इतनी सहायता की। सेतु ने उन्हें चूहे की घटना से आरंभ कर पूरी कहानी बताई। तुम सच में होशियार नवयुवक हो। मैं तुम्हारे परिश्रम और लगन से बहुत प्रभावित हूँ और इसीलिए मैं तुम्हें सदा के लिए साथ रखना चाहूंगा। कुछ महीने पश्चात सेतु ने कोषाध्यक्ष की पुत्री से विवाह कर लिया। सेतु, अब मेरी पुत्री और मेरी सारी संपत्ति तुम्हारी है और मैं जानता हूँ कि तुम दोनों की अच्छी तरह से देखभाल करोगे, सदा सुखी रहो। और सेतु प्रसन्नता पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगा। बीरबल के दरबार में एक और मुकदमा आया। अब